हेलो टू माय वर्गो, कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे इस फरवरी 20th से 28th तक आपके लव लाइफ में क्या कुछ पॉसिबल है, क्या फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन की, क्या एक्शन वो लेंगे और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या रहेगी, हम देखेंगे। टर्न प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गो, कन्या राशि वाले मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या रहेगी इस फरवरी 20th से 28th के बीच। प्लीज़ स्काई डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स इनकी राशि कन्या हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए इस टाइम पे क्या रहेगी, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। क्वीन ऑफ वांड्स, ये कार्ड कॉमन कार्ड है जो हर राशि में अभी तक आया है। ओके, फाइव ऑफ पेंसिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड द फूल। ओके, क्या बात है, ओह माय गुडनेस, एस ऑफ वांड्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स रहेगी उनके पार्टनर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेगी डिवाइन, प्लीज गाइड। इस फरवरी 20th से 28th के बीच more time please। Six of pentacles, eight of pentacles, Six of Swords, Devil, and Page of Cups. Oh my God. Okay, so मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो मल्टीटास्क कर रहे हो, बहुत बिजी हो आप। मे बी आप इतना यू नो ऑनलाइन नहीं रहते होंगे या फिर इतना दिखते नहीं होंगे उनको यहाँ वहाँ कहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिजी हैं, आप अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं, अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको बहुत एनर्जेटिक, बहुत करेजियस, बहुत ब्यूटिफुल, बहुत अट्रैक्टिव ऐसा दिख रहे हैं वो। ओके, करंट की फीलिंग उनकी ऐसी है, ये मुझे आपको बहुत ज़ोर से चेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैं भी आपके सोशल मीडिया में इनकी बहुत नज़र होगी, किसी फेक अकाउंट से आपको चेक करते होंगे, आपका स्टेटस चेक करते होंगे, आपको नहीं पता चलता होगा, या फिर यू नो आपके घर के आसपास रहते हैं तो बालकनी से, टेरेस से आप पे ध्यान रखते होंगे, नज़र रखते होंगे, अपने दोस्तों से यू नो आपकी खबर रखते होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये जो है इंसान, आप बहुत ज़्यादा आपको चेस करते दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको, इनकी फीलिंग सभी कैसी है, और ये इंसान एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए हैं रिसेंटली। मुझे ये रिश्ता बहुत इन एंड आउट भी दिख रहा है, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, ऐसा एक रिश्ता भी दिख रहा है मुझे। और यू नो लेकिन अभी जो है ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एक पैशनेट रिश्ता आपके साथ ज़रूर चाहते हैं ये। इनकी एनर्जी बहुत पैशनेट दिख रही है मुझे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है वो न्यू बिगनिंग की है, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक रोमांटिक लाइफ चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं आपके साथ। तो आपके साथ इन ये फिर से एक पैशनेट लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अट्रैक्टिव, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरह आपको देख रहे हैं ये। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अपने आप में काम करते, अपने करियर पे काम करते बिजी हैं आप, अपने आप को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं आपको, और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी अभी इस टाइम पे, बहुत चेज कर रहे हैं आपको। मुझे कहीं ना कहीं एक कर्मा का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ऐसा दिख रहा है कि कोई कार्मिक पैटर्न है आप दोनों के बीच जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल में है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो ये चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, बट कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, और ये कार्मिक पैटर्न के चलते बार बार आप यू नो यूनाइट होते हो और बार बार आप सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए ये है कि आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि कोई कार्मिक पैटर्न अगर आपके बीच हो तो वो यू नो रिमूव हो पाए, रिमूव हो सके, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इनके एनर्जी आपको लेके बहुत फायरी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये आते साथ आपको कमिटमेंट दे या फिर आपको प्रपोजल दे मैरिज का, तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि द फूल की एनर्जी जो है वो आज को जीना चाहते हैं, ठीक है, कल का वो देखेंगे, आज वो खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, आज वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं अपनी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये इंसान जो है कोई कार्मिक लेसन भी इनको मिला है, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे है, कोई कार्मिक लेसन इनको मिला है जिससे कि आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आई है, या फिर आने वाले इन दिनों में इनको समझ आएगी आपके, आप क्या हो इनके लिए, क्या वर्थ है आपकी इनके लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, ठीक है। तो ये सब समझेंगे इंसान और आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रिकंसलेशन का कार्ड है ये, तो मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि यू नो आपका रिकंसलेशन इस टाइम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, बट बातचीत होगी ज़रूर, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट, बहुत रोमांटिक एनर्जी रहेगी, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आते साथ ही आपको कमिटमेंट दे दे या फिर यू नो मैरिज का प्रपोजल दें, तो अभी मुझे ये नहीं दिख रहा है, ये इंसान अभी ये सब नहीं सोच रहे हैं, ये जस्ट आज को जीना चाहते हैं, आज खुश रहना चाहते हैं आपके साथ और आज सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर देखें तो आप जो हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ बात करे, अपना प्यार जो है वो कन्फेस करें, शेयर करें आपके साथ, ठीक है, इक्वालिटी शेयर करें, ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हैं इक्वालिटी, जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है वैसे ही ये आपसे प्यार करें, वैसे ही रिस्पेक्ट, लव, केयर, कंपैशन ये आपको दे, यही आप चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान अपना प्यार कन्फेस करे आपके सामने, जो छुपाते हैं ये हाइड करते हैं ये, आप चाहते हो कि ये बोले, ये आपसे कन्फेस करे, एक्सप्रेस करे अपना प्यार, ये आप चाह रहे हो, ठीक है। करंट कैप एनर्जी ऐसी है, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो मुझे, बहुत वेट करते इनका, इंतज़ार करते मुझे दिख रहे हो आप, मूव ऑन आप यू नो करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, ऐसी एक दिक्कत आपकी है। ऐसा नहीं कि आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो इनसे, आप चाहते हो इनसे मूव ऑन करना, बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आप इस इंसान से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस इंसान के लिए आप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको यू नो एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे अभी आपकी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप चाहते हैं कि ये इंसान आए और आपको सॉरी बोले, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें जो भी पास्ट में उन्होंने की है, और ओवरऑल आपकी एनर्जी है कि आप इनसे सॉरी चाहते हो, ठीक है, और इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके लिए ये है, जो कॉन्टैक्ट में हैं वो चाहते हैं आपके साथ यू नो टाइम स्पेंड करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की थोड़ी सी फोकस अपने फाइनेंस पे भी है, क्योंकि फाइनेंशियल मुझे लॉस दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, तो अपने करियर में भी अपने फाइनेंस में भी फोकस करते इंसान दिख रहे हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा इनसे हर चीज़ में आप आगे हो, ठीक है, आप में भी आप ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इनसे बहुत सुंदर होंगे आप, ऐसा हो सकता है। एज पर्सन आप बहुत ज़्यादा, आप में अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, काइंड होंगे आप, ठीक है, तो आपको हर चीज़ में अपने से ज़्यादा देखते हैं, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर ज़रूर है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी अपने आपके हस्बैंड को जो है हमेशा ऐसा लगता है कि आप बहुत डिज़र्व करते हो अच्छा कुछ, ठीक है, मे बी इंसान इनसे अच्छा डिज़र्व करते थे आप, या फिर सिचुएशन इनसे अच्छा डिज़र्व करते थे आप, तो आपके हस्बैंड को ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप में अच्छाइयाँ बहुत है, आप बहुत करेजियस हो, बहुत यू नो सबके लिए करने वाले कैसे पर्सनालिटी हो, काइंड हो, कॉन्फिडेंट हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, तो आपको बहुत अलग एक एनर्जी में आपके हस्बैंड देखते हैं और ये चाहते हैं कि यू नो आपके साथ टाइम स्पेंड करें,
कैसा टाइम स्पेंड, लाइक होता है ना कि घूमने जाएं, मज़ा करें, मस्ती करें, एक बच्चे वाली एनर्जी में आपके साथ रहें, लाइक बहुत खुशी, कोई टेंशन नहीं हो कल का, आने वाला कल का, बीता हुआ कल का कोई टेंशन नहीं हो, बस आज खुश रहें, ऐसी एनर्जी है। अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो ये जो है इंसान आपके साथ ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, आपका प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन इनसे आपको कोई कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगा, बट ये इंसान आपके साथ इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं इंसान, ठीक है। तो एक प्रपोजल, लव प्रपोजल आपको ज़रूर मिल सकता है अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो, ओके। सो एक गाइडेंस आपके लिए हम ज़रूर देखेंगे कि एंजल्स आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस दें एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय वर्गो, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, खुद से आया है कार्ड, ओके। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ओके। सो हमेशा आपको ऐसा रहता है कि यू नो आपको हर जगह सही होना है, सबकी नज़र में अच्छा होना है, वो एक कॉन्शियसनेस को छोड़ दे, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हमेशा सही भी आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। पीस में रहें, आराम से रहें, मदर हीलिंग कुछ ऐसा हो सकता है, अगर उसको हील कर सकते हैं तो प्लीज़ हील करें। मदर हीलिंग ये होती है कि आप लाइक कुछ चाइल्डहुड में, कुछ बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि आपकी वुंडेड हो गई है, ठीक है। कहते ना कि घाव बन जाना, वैसा वो अंदर रह गया है, उसको रिलीज़ करना होगा आपको। ये इंटेंशनली या अन इंटेंशनली, कभी कभी पेरेंट्स हमारे हमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर यू नो कभी हमें वो प्रोटेक्शन, वो केयर, लव नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते छोटे बच्चे जो है वो वुंडेड हो जाते हैं। तो एक मदर हीलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गो आप ज़रूर करें अपनी हीलिंग। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यह आपको एंजल ये गाइड कर रहे हैं कि आपको स्ट्रांगली स्टैंड, जहां आप जो भी आप चाहते हैं वहां आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस, फोकस ऑन योर पर्पस, आपको अपने पर्पस पे फोकस करना है। फियर जो भी है आपका उसको रिलीज कर दें, और जो भी सच है उसको बोलने से डरे नहीं, ओके। सो यहाँ ये गाइडेंस आपको है कि आप वेट करें, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और आपको यू नो सच बोलना है, जो भी आपको अपने रिश्ते में चाहिए उनसे बोलें, उनसे रखें उनके सामने बात अपनी, और यू नो अपनी रिस्पेक्ट को भी आप ऊपर रखें, जो सच है उसको ज़रूर बोलें, उसको बोलने में, सच को बोलने में डरे नहीं, ओके। सो ये है आपकी लव लाइफ। अब हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर एंड ऑल, ओके। प्लीज गाइड डिवाइन फॉर माय वर्गो, उनके करियर और ओवरऑल लाइफ के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है ब्लेसिंग्स इस टाइम पे, क्या अचीव करेंगे वो, और क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन। मेरी कन्या राशि वालों का समय फरवरी 20th से 28th तक क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। एट ऑफ कप्स, Five of Wands, the Star, King of Wands, and Two of Wands. सो जजमेंट, मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपके पास कोई दो ऑप्शन है जिसमें आप जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ आपको जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अब यहाँ दो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है दो ऑप्शन आपके पास है, जॉब हो सकता है आपको दो जगह से कॉल आया हो, आपने इंटरव्यू दिया हो और दो जगह से आपको कॉल आ गया हो और आप कन्फ्यूज हैं कि किसे चुने। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस आप करना चाहते हो और दो ऐसे पार्टनर्स आपको मिल गए हैं, तो कोई भी सिचुएशन ऐसे जो दो हैं ऑप्शन आपके पास, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किसके पास जाना है, किसके तरफ जाना है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप किसी इंसान से या फिर किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, किसी को पीठ दिखाने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे थे, ठीक है। किसी को टाटा बाय बाय बोलने की कोशिश कर रहे थे आप, लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसा दिख रहा है मुझे, कर नहीं पा रहे हो ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ में है, यू नो अभी के सिचुएशन में दिख रही है मुझे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ अग्रेशन है आप में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, कोई डिसएग्रीमेंट है, किसी चीज़ से इनकार कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर जॉब जहाँ पे आप वर्क करते हो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ होती है ऐसा, या फिर इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल, ओके। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी किसी के साथ, या फिर प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि किसी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई होगी, ओके मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, कोई नेम फेम ऐसा कुछ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, एक स्टार की तरह आप फील करोगे ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों की हीलिंग भी मुझे यहाँ दिख रही है डेफिनेटली, ओके। कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लोग जो हैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, क्योंकि पास्ट की आपकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, फ्यूचर की आपकी एनर्जी जो है वो बहुत एक पॉजिटिव, एक रिन्यूअल वाली एनर्जी आपकी होगी, होपफुल हो जाओगे आप इस टाइम, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है वो अपने प्लेस पर आ रहा है, एक यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ऐसा आपको लगेगा कि पूरी यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है आपके एंडेवर्स में, आपके प्रोफेशन में, काम में, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी भी कहीं आपकी शाइन होती मुझे दिख रही है, और ऐसा दिख रहा है कि कोई कुछ लोग जो हैं अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल भी बहुत लोग होते दिख रहे हैं मुझे, हीलिंग भी बहुत लोग करते अपने दिख रहे हैं मुझे, फ्यूचर की एनर्जी है, मतलब कुछ दिन बाद की, ठीक है, मतलब इसी 28 दिन, इसी 20 से 28 के बीच का जो टाइम होगा उस टाइम आप अपनी हीलिंग करोगे, पॉजिटिव हो जाओगे, होपफुल हो जाओगे, आपको लगेगा सब कुछ अपने प्लेस पर आ रहा है, बेटर हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो आप, ठीक है, आप जो हैं नेगेटिव हो जा रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ की कमी आप अपने अंदर फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लैकिंग है आप में, कुछ कमी है आप में, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में आपके, ठीक है। ये आपके करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, ठीक है। और एक्शन जो मुझे दिख रहा है वो यही कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन कुछ लेना चाहते हो आप, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, कुछ डिसीजन आप ज़रूर से लेना चाहते हो, कोई स्ट्रांग डिसीजन जो आप ले नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और एकदम डिसीजन लेने के लिए रेडी हो आप, बट आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिसीजन आपको लेना है, ऐसा दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ एक यू नो डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ होगा, और आपके साथ कोई जजमेंट ज़रूर होती है मुझे दिख रही है इस टाइम पे। तो जहाँ भी आपने बहुत एफर्ट्स अपने लगाए थे वहाँ से आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगी, पॉजिटिव आउटकम जो आप चाहते थे वो मिलेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई फॉरगिवनेस अगर किसी से चाहते थे तो वो मिलेगी आपको, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, कोई यू नो कुछ अच्छा हो सकता है इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है जजमेंट की है, आपको ये लगता है कि आपने बहुत किया अपने लाइफ में, किसी के लिए, सबके लिए, इसके लिए, उसके लिए, अब आपको लगता है कि अब आपकी बारी है, आपको मिलना चाहिए जो भी आपने किया है वो रिटर्न में, और यूनिवर्स आपको वो सब रिटर्न करते हैं मुझे इस टाइम पर ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक अच्छा ज़रूर इस बार आप एक्सपीरियंस करने वाले हो वर्गो, ओके। मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपने रिसीव किया, ओके, गुड न्यूज़ और कुछ भी, यू नो रिकंसिलेशन, कोई फॉरगिवनेस, कुछ यू नो सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई कुछ बहुत कुछ हो सकता है अच्छा, ओके। सो एंजल्स की गाइडेंस हम आपके लिए ज़रूर देखेंगे, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माई कन्या राशि, क्या गाइडेंस है इनके लिए। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, ओके, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा पीस में रहें, वो काम करें जो काम करके आपको अच्छा लगता है, जो पीस मिलता है जो काम करके, मेडिटेशन करें डेफिनेटली, म्यूज़िक सुने, ऐसी म्यूज़िक जिसको सुन के आपको अच्छा लगे, यानी कि सैड म्यूज़िक्स, ओके। वन मोर टाइम प्लीज़, Experiencing grace, share your gift with grace, waves of inspiration and love are coming to you. मैंने बोला ना कि एक रिकंसिलेशन आपका ज़रूर होता मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं आपके साथ रिकंसिलेशन करना, आप में ग्रेस आ रहा है। मैंने बोला ना कि फ्यूचर की एनर्जी आपकी है, जब आप पॉजिटिव होंगे, हीलिंग होगी आपकी, या फिर आप करोगे हीलिंग खुद की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते आप दिख रहे हो, और एक ग्रेस आप में आएगा इस टाइम पे, और एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी ग्रेस को, आपका गिफ्ट है वो, ठीक है,
जो भी आप में है उसे शेयर करें, इंस्पायर करें दूसरे को, दूसरों को, जो भी अंदर आपके टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, पैसे हैं, जो भी है आपके पास, उसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो पाए. ओके, सो माई वर्गो, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.